नेक्स्ट पेज पे, ट्रीज आर द लार्जेस्ट प्लांट्स, दे यूजली हैव अ सिंगल वुडी स्टेम कॉल्ड अ ट्रंक. सम ट्रीज आर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, ईच ईयर द ट्री ग्रो आर रिन्यूइंग इनसाइड अ ट्रंक. वी कैन टेल द एज ऑफ द ट्री बाय काउंटिंग दीज रिंग्स. ट्रीज कौन से हैं, ये मैंग्रो ट्री है, पाम ट्री है, फर ट्री है. तो ट्रीज कौन से, ये सबसे लार्जेस्ट प्लांट्स हैं. इनकी एक सिंगल स्टेम होती है, वुडी स्टेम होती है, जिसको हम ट्रंक कहते हैं. कुछ कौन से हैं, वो थाउजेंड्स ईयर्स ओल्ड होते हैं, और जैसे जैसे उनकी एज इंक्रीज होती है, एक रिंग ऐड हो जाता है उनके ट्रंक में. इस तरह से हम उन रिंग्स को काउंट करने काउंट करके उसकी एज जो होती है वो फाइंड कर सकते हैं किसी भी ट्री की. द टफ प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ अ ट्री और वुडी श्रब इज कॉल्ड बार्क. जो आउटर लेयर है वुडी, इसको हम बार्क कहते हैं. पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, अ प्लांट हैज़ मैनी डिफरेंट पार्ट्स. व्हाट डू दीज पार्ट्स डू, लेट अस फाइंड आउट. Flowers are the parts of some plants that become fruits and seeds. These grow into new plants. Flowers जो होते हैं किसी भी plant का जो part है, उनसे उन flowers से next fruit जो होता है वो बनता है या seeds बनते हैं, और उन seeds से next फिर new plants बन जाते हैं. Roots take in water for the plant from the soil. Roots work like straw. To suck up water, they also help to hold the plant firmly in the ground. Roots क्या करती हैं, roots वो जो ground में underground water होता है वो roots के through stems and then leaves में जाता है. तो roots एक तो वो बिल्कुल जिसने हम लोग use करते हैं water को suck करने के लिए straw use करते हैं, या just like straw ये वर्क करती हैं रूट्स वाटर को ऊपर लेके जाने के लिए. उसके अलावा ये क्या करती हैं, ये फॉर्मली प्लांट को हेल्प आउट करती हैं कि वो ग्राउंड में बिल्कुल होल्ड रहे. उसको वो जो है, वो जो प्लांट है वो गिरे नहीं, वो बिल्कुल सीधा रहे, वो जो उसकी मौसम की सख्ती को बर्दाश्त कर सके. Leaves make food for the plant. Leaves also make a gas called oxygen. We breathe in oxygen from the air to keep us alive. From the air. Leaves जो से हैं वो food prepare करते हैं, ये green color के होते हैं. उसके अलावा leaves क्या करते हैं, oxygen बनाते हैं. वही oxygen जब हम सांस लेते हैं हम अपने respiratory system में lungs में लेकर जाते हैं. Stems are the stalks that move water and food through the plant to the leaves and flowers. Stems also support the parts of a plant. Stem क्या करते हैं, वो जो root ने water लिया होता है वो stem क्या करता है, उसको full plant में वो water की या food की supply करता है. उसके अलावा उसको सीधा खड़ा रहने में भी help out करता है stem. Next page is, although many plants have flowers, not all of them do. Flowers are of many different colors, shapes and sizes. Some flowers are used for decoration, while some are used for making medicine. Some flowers grow into fruits. Okay, almost हर जो plant है वो उसका flower है. कुछ जो plants हैं जो flower नहीं, जिनके ऊपर वो flower नहीं लगते हैं, लेकिन mostly जो हैं प्लांट्स उनमें फ्लावर जो से हैं वो होते हैं, वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं, उनकी शेप्स भी डिफरेंट होती हैं, साइज भी डिफरेंट होता है. कुछ फ्लावर्स को हम यूज़ करते हैं डेकोरेशन के लिए, और कुछ मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ होते हैं, और कुछ फ्लावर्स फ्रूट्स में फ्रूट्स बन जाते हैं. कुछ फ्लावर्स फ्रूट्स सच एज स्ट्रॉबेरीज, एप्पल्स एंड एप्रिकॉट्स आल ग्रो फ्रॉम फ्लावर्स. ये जो सारे फ्रूट्स हैं ये फ्लावर से ही बनते हैं. आल फ्रूट्स कम फ्रॉम फ्लावर्स, बट नॉट आल फ्लावर्स बिकम फ्रूट्स. इस लाइन में उन्होंने बताया हुआ है कि जितने भी फ्रूट्स हैं वो आते तो फ्लावर्स से ही हैं, लेकिन सारे फ्लावर्स फ्रूट नहीं देते हमें. फ्रूट्स हैव सीड्स डैट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. उन फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं जो कि दोबारा से न्यू प्लांट उससे बन जाता है. हेयर आर सम फ्रूट्स, हैव यू टेस्टेड ओनली एनी ऑफ दिस. ये फ्रूट्स उन्होंने यहाँ बनाए हुए पीछे, उन्होंने कहा आपने क्या इनको टेस्ट किया. सम फ्रूट्स लाइक द वंस शोन अबव टेस्ट गुड एंड कैन बी ईटन. Some fruits cannot be eaten as they are poisonous. Others do not taste nice.
कुछ फ्रूट्स तो हम बहुत शौक से खाते हैं क्योंकि उनका टेस्ट अच्छा होता है, लेकिन कुछ फ्रूट्स पॉइजनस भी होते हैं। पार्ट्स ऑफ अ फ्रूट, अपने के हम पार्ट्स देखेंगे फ्रूट के। फ्रूट्स हैव अ स्किन ऑन द आउटसाइड, दे हैव अ फ्लैशी इनर पार्ट, दे हैव सीड्स इन द मिडल। फ्रूट्स में क्या होता है कि इसकी एक आउटर स्किन होती है, नेक्स्ट इसकी फ्लैशी पार्ट होता है जो हम बहुत शौक से खाते हैं, और नेक्स्ट सीड्स होते हैं मिडल में। सम फ्रूट्स आर कवर्ड बाय पोर्स, ये पोर्स हैं जिसकी वजह से वो कवर्ड होते हैं, स्किन नहीं होती उसमें, पोर्स होते हैं। ये पी प्लांट है, पी प्लांट का फ्रूट है ये मटर, जिससे हम निकालते हैं, तो ये पोर्ड में ये हमारे पास फ्रूट होता है। नेक्स्ट पेज सीड्स। नेक्स्ट अब हम सीड्स के बारे में पढ़ेंगे। सम फ्रूट्स हैव ओनली वन सीड, कुछ फ्रूट्स हैं जिनके पास सिर्फ एक सीड होता है, जैसे कि मैंगो है, यहाँ पे ये प्लम है। सम हैव अ फ्यू सीड्स, कुछ के पास थोड़े सीड होते हैं। सम हैव मैनी सीड्स, सीड्स ग्रो इन टू प्लांट्स, यहाँ पे ये फ्यू सीड्स प्लांट है, ये ऑरेंज है, ये मैनी सीड्स में उन्होंने पोमिग्रांटी लिया हुआ है। मैनी सीड्स ग्रो इन टू ट्रीज, सीड्स कम इन आल शेप एंड साइजेस, यही सीड्स जो उनसे हैं, कुछ सीड्स जो उनसे हैं वो उनसे ट्री बन जाता है। ये एप्पल सीड्स हैं, मेलन सीड्स हैं, वाटरमेलन सीड्स हैं। नट्स आर हार्ड शेल्ड फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, नट्स जो हम यूज़ करते हैं सर्दियों में मोस्टली, तो वो उनका जो शेल आउटर होता है वो बहुत हार्ड होता है, जैसे कि वॉलनट देखें, आलमंड, ये हमारे पास कुछ खास है। दे हैव वन सीड एंड आ हार्ड शेल, ये एक सीड होता है, इसके अंदर से एक ही सीड निकलता है, लेकिन इनका जो शेल है वो हार्ड होता है। नेक्स्ट ये कॉन्सेप्ट चेक किया, आपने इसको रीड आउट करना है और बताना है कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। नाउ यू हैव कंप्लीट योर चैप्टर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।